स्वागत और सफाई है दोस्तों। इस वक्त हम जमशेदपुर के ओल्ड पुरुलिया रोड में मौजूद है और आप देख सकते हैं फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जमशेदपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जमशेदपुर शहर को शांति प्रिय बनाए रखा जा सके। और कल जो रांची की घटना घटी है, रांची में जिस तरह से कल उत्पात लोगों ने मचाया है और उसमें दो लोगों की जान भी गई है पुलिस की गोलीबारी की वजह से और कई लोग घायल भी हैं, इसी को लेकर शहर में विधि व्यवस्था बनी रहे और शहर का माहौल शांति प्रिय अमन चैन सुकून वाला बना रहे, इसी को लेकर आज पूरे शहर भर में फ्लैग मार्च हर थाना क्षेत्र में किए जा रहे हैं। जी हाँ, सीधी तस्वीर हम मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक बल है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो सड़कों पर निकले हैं और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लाइव के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कई बल तैनात है, कई बल है, पुलिस बल है और तीनों थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी DSP सुमित कुमार, तमाम लोग मौजूद है। आपको अगर हम पीछे की तस्वीर आप देख पाएंगे तो पीछे भी जो है जो गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं इस फ्लैग मार्च में शामिल है और आगे पैदल जितने भी जवान हैं वो मौजूद है। साथ ही जमशेदपुर पुलिस के सारे जवान इस फ्लैग मार्च में शामिल है और जिस तरह से कल रांची में जो घटना घटी है उसके बाद शहर का माहौल बना रहे और शहर में शांतिप्रिय माहौल रहे, इसी चीज़ को लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो देखिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर और लाइव कवरेज के माध्यम से आप देख रहे हैं जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड। कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों कल रांची में जिस तरह से घटना घटी है जुमे की नमाज के बाद और उसको लेकर कई राज्यों में कल देखने को मिला है कि हिंसक झड़पें हुई और साथ ही रांची में घटना घटी जिसके बाद माहौल काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। रांची में 12 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर पुलिस, जिला प्रशासन भी अब सख्त रवैया अपना रही है और शहर को शांतिप्रिय बनाने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर कई सारे जवान इस फ्लैग मार्च में शामिल है, जो मानगो की तीनों थाना क्षेत्र है, उलीडी थाना, मानगो थाना और आज़ाद नगर थाना, तीनों थाना क्षेत्रों से पुलिस बल और तमाम लोगों को, तमाम जवानों को बुलाया गया है और इस फ्लैग मार्च में तमाम लोग शामिल है। एक लंबी कतार यहाँ पर पुलिस की है, आगे से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आगे आगे दो PCR वैन है और उसके पीछे जो है तमाम प्रशासनिक बल, प्रशासन के लोग, पुलिस हैं और साथ ही कई गाड़ियां इस जो है फ्लैग मार्च में शामिल है। DSP सुमित कुमार, तो देखिए तस्वीरें आप देखिए स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं DSP सुमित कुमार और साथ ही तीनों थाना के थाना प्रभारी भी इस फ्लैग मार्च में शामिल है। काफ़ी संख्या में जो है पुलिस बल मौजूद है और इसी तरह फ्लैग मार्च कर रही है। जिस तरह से कल रांची में घटना घटी है उसको लेकर जगह जगह पर इसी तरह से फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। शहर में कई थाना क्षेत्रों में इस तरह से फ्लैग मार्च हुए हैं और अभी मानगो में ये काफिला पहुंचा है, जहां पर मानगो में फ्लैग मार्च चल रहा है और इसी तरह से झारखंड के कई ज़िलों और कई शहरों में इस तरह से विधि व्यवस्था बनाए रखा जा सके उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रही है। हजारीबाग में भी कल रात इसी तरह से फ्लैग मार्च हुए हैं, कई शहरों में फ्लैग मार्च देखने को मिले हैं। आज जमशेदपुर में भी हर थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च दिख रहा है। DSP सुमित कुमार इस वक्त हैं, उनसे बात करेंगे। फ्लैग मार्च का मकसद क्या है? फ्लैग मार्च शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? अभी हम लोग ओलीडी मानगो और आज़ाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सभी थाना के पुलिस पदाधिकारी हैं, सभी थाना प्रभारी हैं और हमारे पुलिस के जवान हैं। तो लोगों को अपील भी कर रहे हैं, लोग कोई आवश्यक बाहर ना आए, कोई ऐसा भीड़ भाड़ ना लगाए। जी बिल्कुल। तो क्या दिख रहा है अभी आपको? सभी जगह शांतिपूर्ण है, धन्यवाद। तो देखिए ये थे DSP सुमित कुमार और सर ने कहा कि हर तरह से विधि व्यवस्था बनी रहे,
उसी को लेकर शहर में ये फ्लैग मार्च चल रहा है और हर थाना क्षेत्रों में इस तरह से फ्लैग मार्च हुए हैं। और आज उसी के मद्देनज़र जमशेदपुर से मानगो एरिया में ये फ्लैग मार्च जारी है। देखिए तमाम पुलिस बल, तमाम प्रशासनिक अधिकारी तो तमाम, देखिए आप तस्वीरों में अगर देख पाएंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में आगे से पैदल जो है जवान चल रहे हैं और पीछे पीछे गाड़ी की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इस लाइव को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर कीजिएगा और जिस तरह से ये फ्लैग मार्च हो रहा है यकीनन आप समझ सकते हैं कि जहाँ भी भीड़ हो रही है और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं नुपुर शर्मा को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत झड़पें देखने को मिली है। कल रांची में जिस तरह से घटना हुई उसके बाद शहर का अमन चैन सुकून बरकरार रहे, हर जगह इसी तरह से फ्लैग मार्च हो रहे हैं। तो देखिए किस तरह से प्रशासनिक ताकत दिखाई जा रही है और यह फ्लैग मार्च जमशेदपुर के ओल्ड पुरला रोड मानगो में चल रहा है। देखिए स्क्रीन पर आज़ाद नगर थाना प्रभारी जाहिद जी भी शामिल है इस फ्लैग मार्च में।